दोस्तों दोस्तों, रूमी जी की किचन में आज ये टुंडली का, इसमें महाराष्ट्र में इसको टुंडली बोलते हैं, हम लोग कुंदरू बोलते हैं, तो कुंदरू का भाजी आज बनाएंगे। देखिए, बटाटा मीडियम साइज का 2 लिए हैं और टुंडली 250 ग्राम और बटाटा 250 ग्राम। आप जितना खा सकते हैं आप लोग उतना हिसाब से लीजिएगा। इसका टुंडली का रेसिपी बना रही हूँ, लास्ट तक मेरे साथ बनी रही है। दोस्तों, 1 चम्मच तेल दिए हैं। पहले हम कुंडली को भाज के निकालते हैं, कुंदरू को। दोस्तों, आप लोग का शहर में ये क्या बोलते हैं इसको, कुंदरू को, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र में जैसे टुंडली बोलते हैं, हम लोग कुंदरू बोलते हैं, आप लोग। तो दोस्तों, 2 मिनट हम तेल में फ्राई करके निकालेंगे, उसके बाद बटाटा को भी ऐसे फ्राई करके निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो गए, इसको निकाल लेंगे। आप लोग जब भी फ्राई करिएगा थोड़ा सा नमक हल्दी मिक्स कर दीजिएगा, मैं दिखाई नहीं आप लोग को देने का। मिक्स कर दिया और फ्राई किया, इसको अब हम निकाल लेते हैं। देखिए, उसी तेल में दोस्तों ये आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। आप जब भी ये सब बनाएगा तो फिर हमें सरसों तेल में भी बना के देखिएगा, स्वाद उसका अच्छा आता है। नहीं तो आप लोग जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसी से करिएगा। हम लोग सरसों तेल से इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ी सी हल्दी इसको आलू के ऊपर दे देते हैं, थोड़ा सा नमक दे देते हैं इसके ऊपर। दोस्तों, 2 मिनट हो गए, हम बटाटा को भी अभी निकाल लेते हैं। दोस्तों, भर के 1 चम्मच बड़ा चम्मच में तेल दिया है, गरम हो गया। दोस्तों, ये देखिए 5 फोरन है, इसमें जीरा है, काली जीरा है, मेथी का दाना है और सौंफ है, सब ये मिक्स है। इसको हम ऐड करते हैं, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तेज पत्ता दिए 3-4, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और मीडियम साइज का एक काटा प्याज। खुशबू दोस्तों बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाई है, कुछ के मैं दरदरा सा करके रखी हूँ और ये हरी मिर्च 4 एक साथ दे देंगे। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मसाला में काली मिर्च छोटे चम्मच में 1 चम्मच लिया, हल्दी पाउडर छोटे चम्मच में 1 चम्मच लिया है और ये जीरा पाउडर 1 चम्मच छोटे चम्मच में और ये धनिया पाउडर है जो 2 चम्मच लिया और ये तीखी मिर्ची का पेस्ट है, सॉरी पाउडर है 1 चम्मच। सब ऐड करते हैं मसाला। दोस्तों, अभी टमाटर 1 मीडियम साइज के लिए हमें टमाटर थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो 1.5-2 मिनट तक भूनेंगे अच्छा से पकने तक। स्वाद अनुसार नमक दें दोस्तों, उसमें ज़्यादा नमक देंगे नहीं, उसमें दिया हुआ है नमक। दोस्तों, 2-3 चम्मच पानी दे देंगे टमाटर गलने के लिए। देखिए दोस्तों, टमाटर पक गए हैं, ग्रेवी टाइप का हो गया। इसमें हम बटाटा ऐड करते हैं। टुंडली ऐड करते हैं, दोस्तों इसको 1-1.5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, उसके बाद ही गरम मसाला और धनिया ऐड करेंगे इसमें। तो देखते हैं 1.5 मिनट हो गए इसको। देखिए दोस्तों, ऐसे कैसे गुरु का भाजी हो गया है। गर्म मसाला में ऐड करेंगे छोटे चम्मच में 1 चम्मच लगा। कटा हुआ धनिया, पता रेसिपी बन के रेडी हो गया है दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों हो गए भाजी, इसको अभी उतारते हैं खाने के लिए। कितना अच्छा बन के रेडी हो गया, एक बार बन के बना के जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों रेसिपी बन के रेडी हो गया, रेसिपी कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक बार घर पे ट्राई करके ज़रूर खाइएगा। अगर अच्छा भी ना लगे तो भी कमेंट में बताइएगा ताकि हम सुधर सके कोई गलत हुआ है तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी भी आप लोग को अच्छा अगर लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का दबा के घंटी वाला दबन का क्लिक कर दीजिएगा ताकि सब जितना नया वीडियो है आप लोग के साथ पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।